प्रदेश में कोरोना के 14,313 नए मामले आए सामने। पिछले 24 घंटे में 549 संक्रमितों की मौत। बंगाल उपचुनाव में दिनहाटा में वोटिंग जारी। टीएमसी का आरोप, लोगों को धमका रहे सीआरपीएफ जवान। मुंबई में जेल अधिकारियों को मिला आर्यन खान का रिलीज ऑर्डर, अभी भी हो सकती है रिहाई। अलीगढ़ में प्रशासन ने चलाया चेकिंग अभियान, शराब के ठेके पर चलाया गया अभियान। चेकिंग अभियान से ठेका संचालकों में मचा हड़कंप। आगरा में वायरल फीवर से मौत का सिलसिला जारी। वायरल फीवर से 3 लोगों की हुई मौत। नर्सरी के छात्र की बुखार से हुई मौत। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान आज 22 दिन बाद मुंबई की ऑर्थर रोड जेल से बाहर आएंगे। आर्यन को रिसीव करने के लिए शाहरुख खान भी जेल के बाहर पहुंच रहे हैं। फिलहाल शाहरुख खान जेल से करीब 2 किलोमीटर दूर फोन सीजन 5 स्टार में रुके हुए हैं। अब आर्यन खान की रिहाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कल देरी हो जाने की वजह से जमानत पेटी नहीं खोली गई थी। ऑर्थर रोड जेल से लेकर शाहरुख खान के घर मन्नत पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। आयुष्मान अनुमान लगाया जा रहा है कि शाहरुख और उनके खास लोग जेल उन्हें लेने पहुंचे हैं और 2 अक्टूबर के छापे के बाद से आर्यन को लंबा वक्त जेल में बिताना पड़ा है। वही शाहरुख के लाडले के लिए यह आसान नहीं था। आगे की राह भी आसान नहीं है क्योंकि आर्यन को सिर्फ जमानत मिली है, केस से छुटकारा अभी नहीं मिला है। तो आर्थर रोड जेल पहुंच रहे हैं शाहरुख, थोड़ी देर में ही जेल पहुंच सकते हैं। आर्यन खान को जेल से रिसीव करने पहुंच रहे हैं शाहरुख खान और उनके साथ कुछ लोग और भी हैं जो आर्यन को घर वापस लाने के लिए जा रहे हैं। आर्यन को रिसीव करने के लिए शाहरुख खान भी जेल के बाहर पहुंच रहे हैं। फिलहाल शाहरुख जेल से करीब 2 किलोमीटर दूर 4 सीजन 5 स्टार में रुके हुए हैं। अब आर्यन खान की रिहाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है और कल देरी हो जाने की वजह से जमानत पेटी नहीं खोली गई थी। और आर्थर रोड जेल से लेकर शाहरुख खान के घर मन्नत पर सभी की निगाहें हैं क्योंकि आर्यन काफी दिनों से पुलिस की पूछताछ, हिरासत में और गिरफ्तारी में रहे हैं और अब जाकर उन्हें जमानत मिली है, लेकिन उन्हें अभी केस से छुटकारा नहीं मिला है। लगातार उनका पुलिस से पूछताछ का दौर जारी रहेगा और पूछताछ के लिए उन्हें लगातार पुलिस के सामने पेश होना पड़ेगा और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने पेश होना पड़ेगा। साथ ही उनकी मुश्किलें अभी और बढ़ भी सकती हैं। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, जिस तरह से लंबा वक्त आर्यन ने जेल में काटा है, उनका एक बयान भी सामने आया था कि अब मैं सुधर जाऊंगा, तो क्या इससे कुछ उन्हें राहत मिल सकती है? देखिए, मैं बता रहा हूँ, 4 अक्टूबर का ये मामला रहा है और जिस तरह से वो एक बॉलीवुड स्टार के बेटे हैं उस हिसाब से मामला बहुत ही गर्मा गया था और मामले पर तगड़ी राजनीति हुई है। चाहे वो समीर बानखेड़े की बात हो या नवाब मलिक की बात हो, लगातार इस मामले जब से मामला हुआ है तब से मामला अभी तक चल ही रहा है, मीडिया के सुर्खियों में है और तमाम कयास उसमें लगाए जा रहे थे। जब उनको गिरफ्तार किया गया था तब भी उम्मीद मानी जा रही थी क्योंकि छोटे हैं, उम्र उनकी कम है, इसलिए हो सकता है कि उनको जल्दी जमानत मिल जाए। पर जिस तरह से 7 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 28 अक्टूबर तमाम लंबी प्रक्रिया चलती रही, जमानत अर्जी खारिज भी हुई और आखिरी में आके जमानत दे दी गई है और उम्मीद की जा सकती है कुछ ही समय में आर्थर रोड जो जेल है वहाँ से उनको जमानत दे दी गई है, वहाँ से उनको रिलीज किया जाएगा, उनको रिहा किया जाएगा। उनके पिताजी जो स्टार हैं बॉलीवुड के, शाहरुख खान, वो भी वहाँ पहुँच रहे हैं अपने बेटे को लेने के लिए। फिलहाल जानकारी इतनी है, इस पर आपको बता दूँ, जिस तरह से एक 5 पन्ने का जो है वहाँ पर उसके जमानत में रखा गया था उस पर पूरा लिखा है, क्योंकि वहाँ के जो हाईकोर्ट के जज हैं NW सांबरे, उन्होंने लिखा है और उन्होंने कहा है कि 14 शर्तों के साथ
आर्यन खान को जमानत दी गई है और बताया गया है कि भविष्य में जब भी कोई पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा तो उनको हाजिर होना पड़ेगा। देश छोड़ने की अनुमति भी उनको नहीं है और इसके साथ साथ 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, निजी बच्चों का भी लगाया गया है, जो कि आर्यन खान और दूसरे जो आपका मिनहाज मर्चेंट और तीसरा जो नाम रहा है वो मनमोहन धामेचा, 3 लोगों को जमानत दी गई है। 1-1 लाख रुपये का मुचलका भी है और ख़ास तौर से 14 जो शर्त है वो उसमें लगाई गई है कि 14 शर्तों के साथ आपको जमानत दी जाती है। बहुत बहुत बड़ा मामला रहा है। अब माना जा सकता है कि अब भविष्य में वो ऐसी हरकत करेंगे नहीं करेंगे, और एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत का केस हमने देखा था, रिया चक्रवर्ती का मामला आया था, और भी पहले कई कॉमेडी स्टार है जिनके नाम ड्रग्स मामले में आए थे, तो बालू बिट्स का ड्रग मामले से गहरा नाता है, इससे कोई नकार नहीं सकता। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गौरव जुड़े थे। तो शाहरुख खान के बेटे आज रिहा हो रहे हैं और उन्हें रिसीव करने खुद शाहरुख खान ही जा रहे हैं। लगभग 1 महीने का वक्त हो गया है, जिस इतनी 1 महीने की लंबी कस्टडी के बाद आज आर्यन खान को रिहाई मिल रही है। शाहरुख खान के परिवार के साथ साथ कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को भी इस बात की खुशी है, क्योंकि आर्यन का काफी करीबी रिश्ता रहा है बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ, क्योंकि स्टार किड रहे हैं, इसलिए बॉलीवुड में भी एक खुशी की लहर देखने को मिल रही है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। शाहजहांपुर में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जनपद में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया। शहर के एक लॉन में सम्मेलन में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा की पत्नी कल्पना मिश्र भी पहुंची और उन्होंने प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन को संबोधित किया। कल्पना मिश्रा ने सम्मेलन में बोलते हुए कहा कि प्रदेश में इस समय कानून व्यवस्था की कोई चीज नहीं है, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है, रात में महिलाएं अकेली घर से रोड पर नहीं निकल सकती हैं। तो शाहजहांपुर में ये प्रबुद्ध सम्मेलन किया गया जहां पे सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। कल्पना मिश्रा ने कहा कि माताएं बहनें हमारी इस सरकार में इस वक्त प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, रात में अकेले घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि सबसे मुख्य बात यह है कि आज पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में कानून का राज समाप्त हो चुका है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो वो कहे वो सही है, बाकी सब गलत है। अब आपने अभी लखीमपुर की घटना आप देख लीजिए, लखीमपुर में किस तरह से, किस बर्बरता से इंसानों की मौतें हुई हैं, किस तरह इंसानों की हत्याएं की गई हैं, लेकिन अभी तक उन पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिल सका है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राम राज कहा जाता है लेकिन प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया जहां पे कई निशाने साधे गए सरकार पे और खास तौर से महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया गया। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। लखीमपुर खीरी के मितौली विकास खंड में जो बड़ी नहर से आए हुए नाले पर एक निर्माणाधीन पुलिया का कार्य अभी तक पूरा नहीं हो सका है, जो क्षेत्र के आसपास के गांव से आने वाली जनता को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बता दें कि ग्रामीणों का आरोप है कि अगर यहाँ पुलिस में नहर का पानी छोड़ दिया गया, पुलिया में नहर का पानी छोड़ दिया गया, तो क्षेत्र से पहुंचने वाली जनता मितौली कस्बे में अंदर जाने के लिए उसे दूसरे रास्ते से गुजरना पड़ता है, जबकि ठेकेदार की मिलीभगत से छोटी पुलिया के नाम पर पैसा निकाल लिया गया, लेकिन अभी तक बड़ी पुलिया निर्माणाधीन कार्य को पूरा नहीं किया गया है। इस संबंध में कहना ये मेरा है, इस पुलिया का निर्माण जो है शीघ्र पूरा करा दिया जाए, क्योंकि पूरे ग्रामवासियों क्षेत्रवासियों का ये राजेपुर मितौली का मेन संपर्क मार्ग है, इसको आने जाने के लिए बड़ी दिक्कत होती है। माइनर में तो नाले के पास बनी पुलिया का काम अभी भी रुका हुआ है, हालांकि इसके लिए जो पैसे दिए गए थे वो निकाल तो लिए गए हैं, लेकिन काम अभी भी रुका हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लखीमपुर से हमारे साथ संवाददाता धीरज जुड़ चुके हैं। धीरज, जिस तरह से ये परिस्थिति देखने को मिल रही है, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या है इसकी वजह? जी बिल्कुल, बता दें लखीमपुर के विकास खंड मितौली क्षेत्र का मामला, जहाँ पर
कई महीने से पहले से टेंडर डाल करके ठेकेदार के द्वारा काम शुरू किया गया था, लेकिन अभी तक इस पुलिया का निर्माण नहीं हो पाया, जिससे कई दर्जनों गांव जो रास्ता को लेकर प्रभावित हैं उनको काफी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ रहा है। कई किलोमीटर घूम करके लोग आ रहे हैं, लेकिन अभी तक अगर बात की जाए कि जिम्मेदार जो सख्त लोग हैं उनकी तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया कि आम जनता को दिक्कत ना हो, परेशानी से जो गुजर रहे हैं उस परेशानी का कोई भी समाधान नहीं किया गया है अभी तक। जी, तो क्या जो अधिकारी हैं उनसे शिकायत करी गई है बड़े अधिकारियों से? जी बिल्कुल, विकासखंड जो अधिकारी हैं उनसे भी ग्रामीणों की बात हुई है, एसडीएम जो एसडीएम मितौली है उनसे भी ग्रामीणों ने इसको लेकर चर्चा की है, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई ऐसी सहानुभूति या ऐसा कदम नहीं उठा कि ग्रामीण जो दिक्कत जो रास्ते को लेकर दिक्कत है उनका समाधान अभी तक नहीं हो पाया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ लखीमपुर से संवाददाता धीरज जुड़े थे। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में आतंक का पर्याय बने 5,50,000 के इनामी डकैत गौरी यादव गिरोह से यूपी एसटीएफ की मुठभेड़ में कुख्यात गौरी यादव को यूपी एसटीएफ की जाबाज टीम ने मार गिराया। बता दें कि सटीक सूचना पर पहुंची यूपी एसटीएफ की टीम से यूपी के चित्रकूट के बाहिलपुरवा थाना क्षेत्र के माधा के पास हुई मुठभेड़ में 5 लाख से ज्यादा का इनामी गौरी यादव को मारा गया है। दोनों ओर से कई राउंड गोलियां चली। मारे गए गौरी यादव पर यूपी से 5 लाख और एमपी से 5,000 का इनामी घोषित था। यूपी एसटीएफ के मौके से एक AK-47, एक क्लाशनिकोव सेमी ऑटोमेटिक राइफल, एक 12 बोर बंदूक और सैकड़ों कारतूस भी मिले हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय महासचिव आदित्य यादव जनपद सहारनपुर के गांव महेश्वरी खुर्द पहुंचे, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। वो बस से समाजवादी परिवर्तन यात्रा लेकर सहारनपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि प्रदेश की हालत बेहद खराब है, इस वक्त सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, भाजपा सरकार को हटाना है, भाजपा विरोधी सभी दलों के गठबंधन से भाजपा को हटाया जा सकता है, सेक्युलर पार्टियों को भाजपा के खिलाफ एकजुट हो जाना चाहिए। गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन किए जाने को उन्होंने अहमियत देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी मिलकर भाजपा को सत्ता से बेदखल कर सकती है। चंदौली जनपद के बरहनी विकास खंड में शिकायतकर्ता यशवंत सिंह और धनंजय सिंह के शिकायत पर पूर्व प्रधान द्वारा किए गए ग्राम पंचायत में किए गए विकास कार्यों की जांच की गई, जिससे कि ग्रामीणों में हड़कंप मच गया, जो सीसी रोड और गली नाली तमाम बिंदुओं पर जांच की गई। मौके पर जिले से आई टीम ने जांच किया, तमाम ग्रामीणों की समस्याएं उनकी शिकायत सुनी और जांच करने गई टीम से ग्रामीण असंतुष्ट भी नजर आए। तो जांच करने जब टीम गई तो गांव वालों की जितनी भी परेशानियां थी उन्हें सुना, नालियों का निरीक्षण किया, विकास का निरीक्षण किया, लेकिन ग्रामीण खुश नजर नहीं आए। कई शिकायतें थी जिसकी वजह से असंतुष्ट नजर आए हैं ग्रामीण। संभल में पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर थाना कोतवाली संभल में ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी की घटना में चलाए जा रहे अभियान के खिलाफ कोतवाली संभल के नेतृत्व में एसओजी और सर्विलांस प्रभारी टीम के द्वारा अभियुक्त मोहम्मद अली को चोरी किए गए ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ गिरफ्तार किया गया है। जनपद संभल के थाना रजपुर के हरिबाबा बांध धाम पर इन दिनों फिल्मों की शूटिंग हो रही है। फिल्म डायरेक्टर सोनू सिकंदर अब तक कई सफल फिल्में बना चुके हैं, वो आए दिन नए चेहरों को फिल्मों में काम दे रहे हैं। फिल्म डायरेक्टर सोनू सिकंदर ने बताया कि उनकी ये कॉमेडी फिल्म है, ये उसी फिल्म का दूसरा पार्ट है। इस फिल्म में कृष्णा यादव, दीक्षा राजपूत, माही सोनी, सरफराज खान ने अहम भूमिका निभाई है।
उन्नाव के आसीवन थाना क्षेत्र के में मासूम बच्ची का आम के बाग में शव मिला। बता दें कि एक दिन पहले से मासूम गायब था, वहीं इसके बाद परिजनों ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। शव मिलने से परिजनों में हड़कंप मच गया। गांव के लोग हत्या की आशंका जता रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बीते दिनों अलीगढ़ में हुए शराब कांड से सबक लेकर प्रशासन और आबकारी विभाग द्वारा दीपावली पर बेचने के लिए सरकारी ठेके बिकने वाली शराब को लेकर विशेष अभियान चला रहा है। ठेकों पर रखी शराब के हॉलमार्क सहित शराब की पैकिंग को चेक किया जा रहा है, जिससे किसी बड़ी अनहोनी से बचा जा सके। वहीं अभियान को देखकर ठेका संचालकों में भी हड़कंप मच गया है। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में त्योहार से पहले बदमाशों ने पुलिस को चुनौती दे दी है। सिविल लाइन्स इलाके में कलेक्ट्रेट के पास एएमयू पेविलियन के सामने मोबाइल व्यापारी से स्कूटी सहित 5 लाख रुपए लूट किए गए थे। इस वारदात की खबर पर पुलिस के होश उड़ गए, जबकि देर रात इस मामले में जांच पड़ताल की गई थी और इलाके में सीसीटीवी खंगालने का काम पुलिस द्वारा किया जा रहा है। तो व्यापारी से स्कूटियों और नकदी की लूट का ये मामला सामने आया तो पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया, जिसके बाद अब पुलिस जांच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।